गुरु प्यारे सास संगत जी आप सभी को राधा स्वामी जी सास संगत जी यह घटना सच्ची घटना है जो कि एक सेवादार की है एक सेवादार हुआ करता था जो कि बहुत बहुत ज्यादा ही अमीर था लेकिन उसका पूरा परिवार डेरे से जुड़ा हुआ था और सेवा भी करता था तो इसलिए उसका रुझान भी सेवा की ओर था और सत्संग की ओर ज़्यादा ही था वह अक्सर सेवा में आया करता था बिना कुछ सोचे समझे बिना कुछ समय देखे वह सेवा भी लगन से किया करता था जिसे देखकर बाबा जी भी अक्सर खुश होते थे क्योंकि वो बाबा जी उस सेवादार को देख कर अक्सर मुस्कुराते थे और जब भी बाबा जी का सामना उस सेवादार से होता तो बाबा जी मुस्कुरा पड़ते लेकिन कुछ नहीं कहते बात भाई को थोड़ी अजीब लगती थी सास संगत जी अक्सर सभी सेवादारों के मुंह से सुना है अगर उन्हें मौत भी आए तो गुरु घर में ही आए आखिर सेवा में ऐसी क्या बात है जो सभी सेवादार ऐसे कहते हैं संगत अपना काम धंधा बच्चे परिवार सबको छोड़कर सेवा करने पहुंच जाती है जिस सेवादार को देखकर बाबा जी मुस्कुराते थे वह कोई आम इंसान नहीं थे बल्कि एक अरब पति थे अगर उसको किसी शहर का राजा भी कहा जाए तो वह कम नहीं होगा क्योंकि उनके पास बहुत सारी धन दौलत थी और उनका नाम बड़े बड़े अमीरों में गिना जाता था वह सेवादार अक्सर हर जगह हर सत्संग घर में जाकर सेवा करते थे कोई चाहे उन्हें दूसरे शहर में जाने का मौका मिले या फिर किसी भी मेजर सत्संग घर में जाने का मौका मिले वे नहीं छोड़ते थे और अपने करोड़ों रुपए की कार से डेरे पहुंचकर डेरे में भी बल्कि सेवा करने जाया करते थे डेरे की सड़कों पर झाड़ू मारने की सेवा भी बहुत ही खुशी से कर लिया करते थे कभी इनकी ड्यूटी लंगर में दाल बरताने की होती तो कभी मिट्टी की सेवा लेकिन ये हमेशा ही लगन से सेवा करते थे और बाबा जी भी जब भी सेवादारों को दर्शन देने आते तो दूसरे सेवादारों को देख कर बाबा जी कोई रिएक्ट नहीं करते थे लेकिन इस भाई को देख कर बाबा जी मुस्कुराने लगते थे यह बात इस भाई को बहुत ही अजीब लगती थी यह बाबा जी के जाने के बाद हमेशा ही सोचता था आखिर बाबा जी इसे देख मुस्कुराते हैं? क्या इसकी सेवा में कोई कमी तो नहीं है? या फिर बाबा जी इसके चेहरे को देखकर क्यों हंस पड़ते हैं यह भाई कुछ भी समझ नहीं पाता था और ऐसा एक बार नहीं बहुत बार हो चुका था और यह भाई हमेशा ही कंफ्यूज रहता था कभी यह भाई दिल्ली में सेवा कर रहा होता था तो कभी डेरे में हर बार बाबा जी जब भी इस भाई से मिलते बिना कुछ कहे मुस्कुरा देते जब ऐसा बार बार होने लगा तो इस भाई ने इस बात का जिक्र दूसरे सेवादारों से किया लेकिन उन्होंने भी कुछ ज़्यादा जवाब नहीं दिया क्योंकि किसी के पास इस सवाल का जवाब था ही नहीं फिर एक बार इसके जत्थेदार ने इसको बाबा जी से मिलवाने की बात कही और कहा कि तुम खुद ही बाबा जी से ये सवाल पूछ लेना तो वह कहता है भाई मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ इतने बड़े सदगुरु से सवाल करने के और मैं कैसे पूछूँगा कि वह मुझे देखकर क्यों मुस्कुराते हैं फिर एक बार डेरे के जत्थेदार की विनती पर बाबा जी ने उस अमीर भाई से बात करी लेकिन उसमें पूछने की हिम्मत ही नहीं थी कि वह क्या ही कहे बाबा जी के सामने उसने यही कहा बाबा जी आप तो जानी जान हो बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या आपके सेवक से सेवा में कोई कमी रह गई है आप हमेशा ही मुझे देखकर मुस्कुराते हैं जो कि मैं हमेशा ही चिंतित हो जाता हूँ कि मेरी सेवा में कोई कमी तो नहीं रह गई है तो बाबा जी बताते हैं नहीं बेटा तेरी सेवा में तो कोई कमी नहीं है मैं तो बस इसलिए मुस्कुराता हूँ क्योंकि कई साल पहले तूने एक बार डेरे की सेवा करी थी उस समय तो कुछ और ही था यह सुनकर अमीर भाई चौक जाता है कहता है बाबा जी मैं तो बचपन से ही डेरे से जुड़ा हुआ हूँ और सेवा भी करते आ रहा हूँ जैसे मैं आज हूँ वैसे ही पहले था उम्र बढ़ने के कारण चेहरा थोड़ा अलग जरूर हो सकता है तो बाबा जी कहते हैं नहीं बेटा मैं तुम्हारे इस जन्म के नहीं बल्कि इससे पहले वाले जन्म की बात कर रहा हूँ तो वह भाई सोच में पड़ जाता है कि बाबा जी आखिर ये सब क्या कह रहे हैं तो अमीर आदमी हैरानी से बाबा जी को देखने लगता है तो बाबा जी कहते हैं तुम्हारे पिछले समय में उस समय तू एक मजदूर था और इसी डेरे में तू दिहाड़ी पर काम भी किया करता था जब तू देखता था कि महाराज जी सभी सेवादारों को सेवा करने पर दर्शन देते हैं और प्रसाद भी देते हैं तो एक दिन तेरे मन में भी आया कि आज तुम बिना दिहाड़ी के ही डेरे में काम करो जब ये बात तुमने अपने घर में अपनी पत्नी से कही तो वह मान गई और कहने लगी ये तो बड़ी ही अच्छी बात है अगर गुरु घर की सेवा करी जाए और गुरु घर के हाथ का प्रसाद मिल जाए तो वह बहुत ही खुश नसीब वालों को ही मिलता है आप एक दिन बिना पैसों के सच्ची लगन से डेरा में सेवा कर दो एक दिन हम नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा तो एक दिन तूने इतनी लगन से सेवा करी थी जितनी लगन से तो तू दिहाड़ी पर भी काम नहीं करता था दूसरे सेवादार शाम के पाँच बजे दर्शन करके और प्रसाद लेकर चले जाते थे लेकिन तू सेवा में उस दिन इतना मगन हो गया कि तुझे ये तक नहीं पता चला कि महाराज जी सेवादारों को दर्शन देकर चले गए हैं और प्रसाद भी बढ़ चुका है जब सात बजे तू सेवा से हटा तो तुम्हें होश आया तुमने देखा कि सब जा चुके हैं लेकिन तुम्हारे इंतजार में महाराज जी वहीं पर बैठे हुए थे और महाराज जी ने तुम्हें अलग से दर्शन भी दिए और प्रसाद भी दिया और तुम्हारी उस एक दिन की सेवा का फल तुम्हें इस जन्म में मिल रहा है इस बार तेरा जन्म एक ऐसे ससंगी परिवार में हुआ जहाँ पर तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है मालिक ने तुझे इस जन्म में राजा बना दिया है तेरे पिछले जन्म की सेवा और सिमरन अधूरे रह गए थे जो मालिक ने तुझसे अब करवाने हैं इस जन्म में वह मालिक तुमसे अपना भजन और सेवा दोनों ही पूरा करवा लेंगे यह बात सुनकर सेवादार एकदम चौंक गया और हैरान रह गया बाबा जी के जाने के बाद यही सोचता रहा कि सिर्फ एक दिन की सेवा का इतना मीठा फल है तो सारी उम्र की सेवा के बदले मालिक ना जाने हमें क्या ही दे देता होगा सास संगत जी बहुत से कमाई वाले जीव अक्सर कहते हैं कि भाई अगर हमें पता लग जाए एक दिन की सेवा के बदले हमें गुरु क्या बख्श देते हैं तो हम उसके बाद या सत्संग घर से घरे वापस ना जाएं और वहीं सेवा करने लग जाएं लेकिन संगत जी हर कोई इस अमीर आदमी जैसा किस्मत वाला नहीं होता कई ऐसे भी लोग हैं जो संसार में सेवा करते हैं लेकिन सेवा का मतलब नहीं जानते और सेवा के बदले मिलने वाला प्रसाद और आशीर्वाद बेकदरी कर देते हैं संगत जी हमेशा ही अगर आपको सेवा करनी है तो निस्वार्थ मन से करें अगर आपके मन में लालच रहेगा कि हमें सेवा के बदले ये मिल जाए या वो मिल जाए तो उस सेवा का कभी भी कोई फायदा नहीं होगा ना ही उसका फल आपको मिलेगा आशा है साखी के चरी आप भी समझेंगे और हमेशा ही निस्वार्थ भावना से सेवा करेंगे गुरु प्यारी सास संगत जी चैनल पे नए हैं तो संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखे जी गुरु प्यारी साथ संगत जी आप सभी को राधा स्वामी जी